नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं अपने एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आप लोगों को बताएंगे विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए प्रॉब्लम्स प्ले कौन कौन से हैं और उनको कैसे याद किया जा सकता है। तो दोस्तों देखते हैं हम शेक्सपियर्स प्रॉब्लम प्लेस बाई कोड। इसका कोड जो है याद करने का वो है HATM, मतलब हिंदुस्तान ATM। तो इसको एक लाइन में हम याद करने के लिए देख लेते हैं कि हिंदुस्तान्स ATM हैव एनी प्रॉब्लम, मतलब कि हिंदुस्तान के ATM में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम प्ले को प्रॉब्लम से कोरिलेट करने के लिए यहाँ पे ये लाइन हमने दिया हुआ है। और ये जो कोड बनाया गया है वो संदीप सर के द्वारा बनाया गया है इलाहाबाद। तो ये कोड है HATM और ये इसके एप्लीकेशन डेट का आखिरी अंक है, इसको यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों देखते हैं हम H फॉर हैमलेट, ये 1602 में आई है। तो यहाँ पे 2 है तो इसका लास्ट अंक जो है ये 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। A फॉर ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ये 1603 में आई है। तो ये यहाँ पे एक ये पहला वर्ड है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल का और ये 3, तो ये हो गया यहाँ का लास्ट अंक 3। T फॉर ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा, ये 1602 में आई है। तो टी फॉर ट्रॉलस एंड क्रेसिडा और इसका लास्ट अंक जो है 1602 का 2। एम फॉर मेजर फॉर मेजर 1603, ये मेजर फॉर मेजर जो है वो 1603 में आई है और इसका भी लास्ट अंक यहाँ पे दिया हुआ है। एम फॉर मेजर फॉर मेजर और इसका 1603 का 3। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये हो गया प्रॉब्लम प्लेस का कोड HATM, मतलब कि हिंदुस्तान ATM। और ये हो गया, ये उसका डिकोड हो गया, इसको डिकोड कर दिया है हमने हिंदुस्तान ATM को। नेक्स्ट है इसके बाद हमारा शेक्सपियर ड्रामेटिक रोमांस और ट्रेजी कॉमेडीज। शेक्सपियर के जो द्वारा लिखे गए जो रोमांस हैं जिनको ट्रेजी कॉमेडी कहा जाता है, क्योंकि ये ना तो पूरी तरह से ट्रेजडी होते हैं और ना ही पूरी तरह से कॉमेडी होते हैं, तो इनको ट्रेजी कॉमेडी या ड्रामेटिक रोमांस कहा जाता है। देखते हैं इसका कोड क्या है। फूल चंद विदाउट टिकट, फूल चंद विदाउट टिकट, ये जितने भी जो भी हम इसको डिकोड करते हैं उसका पहला वर्ड लेते हैं और पहले वर्ड को बड़े लेटर में लिखते हैं, तो इसी से ये कोडिंग होती है। देखते हैं पी में, फूल में है पी, चंद में है सी, विदाउट में डब्लू, टिकट का टी। तो इससे हमें चार वर्ड ये मिलते हैं, चार लेटर्स पी सी डब्लू टी। और इसका जो पब्लिकेशन डेट है वो 8/9/11/11, ये लास्ट अंक है। तो इसको अब हम डिकोड करते हैं फूल चंद विदाउट टिकट। अब याद ऐसे करना है कि फूल चंद नाम का एक लड़का है जो बहुत ही रोमांस करता था लेकिन उसको टिकट नहीं मिलता है, तो इसी तरह से इसको याद करना है। अब देखते हैं हम इसको डिकोड करके। पी फॉर पेरिक्लीज, ये 1608 में आई है। तो ये यहाँ पे पी का 8, पी बराबर पेरिक्लीज और 8 बराबर पब्लिकेशन डेट 1608। सी फॉर सिम्बेलाइन, सिम्बेलाइन 1609 में आई है। और यहाँ पे देखिए सी फॉर सिम्बेलाइन और ये 1609। डब्ल्यू फॉर विंटर्स टेल, विंटर्स टेल 1611 में आई है। यहाँ पे देखिए डब्ल्यू फॉर विंटर्स टेल और इसकी पब्लिकेशन डेट 11 दिया हुआ है, तो ये 1611 है। टी फॉर टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट 1611, तो यहाँ पे टी फॉर टेम्पेस्ट इसका पब्लिकेशन डेट है 1611। तो इस प्रकार से ये हमारे हो गए ड्रामेटिक रोमांस भी। और एक चीज़ देख लेते हैं, ये प्रॉब्लम प्ले जो है वो गिवन बाय जीसी बोस, ये प्रॉब्लम प्ले जो है वो जीसी बोस के द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे ड्रामेटिक रोमांस और प्रॉब्लम प्ले हो गए और इनको इस ट्रिक के द्वारा आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा डाली गई हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।